वेलकम लाफ्टर के सुरमा जिनके नाम में ही जीत है, द न्यू एंट्रेंट जय विजय सचान फ्रॉम मुंबई। सलमान, अरे आर्ची, यस, क्या कमाल लग रही हो। थैंक यू सलमान। वैसे शेखर जी, एक बात बताओ, ये सूट कहाँ से सिलवाया है? हाँ। बड़े कमाल के लग रहे हो। हाँ, कभी आओ हमारे फार्म हाउस में। हाँ। पार्टी करेंगे। और पार्टी से एक बात मुझे याद आई, जब ये लॉकडाउन लगा, जब ये कोरोना चलने वाला था, एक रात के पहले मेरे फार्म हाउस में पार्टी चल रही थी। म्यूजिक सबसे करेंगे सबका स्वागत। अच्छा, एवरीबॉडी वाज देयर। संजय, संजय, अरे ये म्यूजिक कौन बंद किया रे? ए वेटर, अरे ये म्यूजिक का इकू बंद किया रे? हां, तेरे को वेटर लगता है मैं? जाकर रिकॉर्ड चेक कर और देख जाके अपन इंसान है कि भगवान है। अभी कह ना, मेरे को इस बात का तकलीफ नहीं है बाबा कि तुम मेरे को वेटर बोले। मेरे को तकलीफ इस बात का है कि तुम मेरे को पहचाने नहीं। अरे सॉरी रे नवाज, सॉरी। अबे तू एक बात बता, तू ये म्यूजिक काइकू बंद किया? अरे क्या है ना बाबा, मेरे पंटर लोग का मेरे पास कॉल आया, बोले कि पता चला है कि हमको कोई कोरोना नाम की बीमारी ने घेर ले लाए। इसलिए सरकार का ऑर्डर आया है कि कल से अक्का इंडिया में लॉकडाउन है। अरे बाप रे। अबे ये लॉकअप का तो मेरे को मालूम है। हाँ। लेकिन ये लॉकडाउन क्या है? मेरे को तो खाली घर जाने का है। हाँ। इन्होंने बोला, पीछे डैनी साहब खड़े थे, उनको गुस्सा आ गया। डैनी कुत्ते। कुत्ते के जैसी हालत हो जाएगी तेरी, ना घर का रहेगा ना घाट का। बाहर जाएगा तो सीधा अंदर जाएगा। पुलिस वाले डंडे में तेल लगा कर बैठे हैं, याद रखना। अबे रितिक, तू एक बात बता, अपन लोग इधर पे रह के करेंगे क्या? I mean what you mean भाई, हम यहाँ पे रहेंगे करेंगे क्या? I mean बाबा, हम लोग यहाँ पे नाचेंगे गाएंगे डांस करेंगे और क्या? And I mean be positive। राजपाल वहां से भाग के आए, अरे 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 अरे, आपको यहाँ पे परेशान नहीं होना है, वो पॉजिटिव रहने के लिए कह रहे हैं, पॉजिटिव होने के लिए नहीं कह रहे हैं। और वैसे भी सलमान भाई ने कहा है कि तुम लोगों की यहाँ पर फुल व्यवस्था करा के रखी है, रोटी का इंतजाम है, बोटी का इंतजाम है, और यहाँ पर हम लोग मजा करेंगे। और वैसे भी 4 बोतल बोट का काम होगा हमारा रोज का, रोटियां बोटियां खेलेंगे हम बोटियां। पीयूष मिश्रा जी पीछे खड़े हुए थे, पीयूष मिश्रा, और वो आ गए, बोले अरे भाई क्या बात कही है? अरे अरे राजपाल भाई, तुम्हारी कही बात सुनी है मुझे, अपनी लिखी हुई, अरे अरे दो लाइनें आधा कही है। अरे वो क्या था कि अरे हाँ, अरे एक बगल में नान होगा, एक बगल में बोटियां, और बोटियां और रोटियां मिल बांट कर हम खाएंगे। तो शेखर जी, हुआ ये कि ये माने ना माने, अब तो इनको इस लॉकडाउन में रहना ही था फार्म हाउस में। अर्चना जी, जैसे तैसे 15 दिन बीते, अब इन लोगों की हालत टाइट होने लगी। हाँ। एक दिन पंकज त्रिपाठी जी जो है, ओहो, डाइनिंग टेबल पर बैठे हैं। हाँ। आपस में चुगलियां कर रहे हैं। बहुत अच्छे। मैं पहले दिन से कह रहा हूं, ये लोग रूल फॉलो नहीं कर रहे हैं। याजे और फरहान जो है, ये फार्म हाउस के जो बाहर वाला पान की टपरी है, वहां पर के लिए जाते हैं, समझ रहे हैं आप लोग? देखना, पक्का कोरोना का संक्रमण लेकर आएंगे ये लोग। आवाज सुने हैं उसकी?
हमको तो लग रहा है हो गया है, बता नहीं रहा है। अब साथ में ऋतिक भी बैठे हुए थे। अमीन ये तो कुछ भी नहीं है। अमीन जब से डैनी साहब को ये पता चला है कि साबुन का पानी पीने से कोरोना मरता है, तब से रात को साबुन का पानी पी के सोते हैं और सोते टाइम करके बुलबुले छोड़ते हैं। Oh my God, this is disgusting. पूरे बेडरूम को उन्होंने बाथरूम बना के रखा। माँ कसम मैं ये सोच रहा कि तुम्हारे जैसा आदमी डैनी साहब के साथ रूम कैसा शेयर कर पा रहा है। मालूम है क्या हुआ? इनके जाने के बाद में मैं बाथरूम गया, माँ कसम 15 मिनट तक अपनी सांस को रोक के रखा मैं, मौत को छू के वापस आया। अब इन लोगों की यहाँ पर बातें चल रही हैं, हाँ। तभी आवाज आती है कि स्विमिंग पूल एरिया से नसीर साहब किसी पर चिल्लाने में लगे हैं। अच्छा। गुनाह है, गुनाह है। अजय भागकर वहां पर जाते हैं। गुनगुना है, गुनगुना है, गुनगुना है, कर रहे हैं। पानी तो एकदम ठंडा है, किस बात पे तपे पड़े हो, किस बात पे तपे पड़े हो? अरे भाई ये बेहया राजपाल हमारे पास आया और आकर हमसे कहने लगा कि नसीर साहब हम अपना स्विमिंग कॉस्ट्यूम घर पर ही बुलाए, हमें जाने के लिए अंदर, क्या आपका अंडरवेयर मिल सकता है? तो आपने क्या कहा? भाई हमने इस बेहया बेगैरत बेमुरव्वत राजपाल से कहा कि भाई अंडरवेयर पहनकर स्विमिंग पूल में कौन जाता है? तो ये संभागत नहीं आई कूद गया। ये अनएक्सेप्टेबल है, बाप है। ये बातें चल रही स्विमिंग पूल से नीचे से पीयूष मिश्रा बाहर निकल कर आते हैं। अरे बक्साले, अरे 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 बक्साले, हाँ वहाँ पर जो है सरकार कह रही है कि दो दो मास्क पहनो, यहाँ तुम लोग एक अंडरवेयर भी नहीं पहन रहे हो, तुम्हें पता है? अरे सलमान भाई ने मुझे भी बताया है कि सर्वेंट क्वार्टर में कोरोना फैल गया है, इसलिए उन सभी लोगों को क्वारंटीन कर दिया गया है। अरे कल से तुम लोगों को अपना काम खुद करना पड़ेगा। शेखर जब आप एक बात समझिए, ये बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जिन्होंने कभी पानी का ग्लास उठा के यहां से यहां नहीं रखा, इनको अपना काम खुद करना पड़ा। जैसे तैसे 10-12 दिन यहाँ भी बीते, लेकिन इनका एकदम पागल हो गया, इनको लगा अब नहीं है हजम कर पाएंगे हम। नवाजुद्दीन पहुंच गया अपना काम बदलाने के लिए सलमान भाई के पास। सलाम भाई। Too good. माँ कसम मैं 15 मिनट तक सांस रोक सकता हूँ, लेकिन आप जो ये मेरे को पाइप पकड़ के अक्खा दिन ऐसा झाड़ में पानी देने का काम दे लो ना, मेरे से नहीं होता है। अपुन का हाथ ऐसा हो गया है, मालिक का बच्चा मेरे को आके बोलता है नन्ने मुन्ने बच्चे तेरे मुट्ठी में क्या? अभी नहीं बताने का मेरा मुट्ठी में क्या है। तो बता तुझे कौन सा काम चाहिए? भाई मेरे को इज्जतदार काम मांगता है, ठीक है ना, झाड़ो कटका बर्तन का सफाई, संडास का सफाई, नाली का सफाई, ये सब काम करके देगा, मां का सब एकदम चकाचक। तो ठीक है, तो तुम यही काम करोगे। पंकज त्रिपाठी जी जो है वो अपना दुखड़ा रो रहा है फोन में। अरे जिंदगी एकदम पजामे जैसी हो गई। चैन ही नहीं है, वो राजपाल इतना सा है, 22-22 रोटी खा जाता है। यहां तक तो तब भी सही था, हम डैनी साहब से पूछे कि भाई बताइए डिनर के लिए क्या बनाए, पुलाव की खिचड़ी, तो कहते हैं जिस तरीके से तुम बनाते हो ना बना लो, नाम बाद में डिसाइड करेंगे। बहुत तकलीफ हो रही है। इनकी बातें चल रही थी और जो सबसे अवेयर आदमी है पीयूष मिश्रा जी, उन्होंने देख लिया ये लोग बातें कर रहे हैं। साले देख 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 देख, अरे वहां सरकार कह रही है कि 2 गज की दूरी है जरूरी, और तुम लोग यहां पर साले हाथ साले सट के खड़े हो। बंगाली बाबा चले जाओ यहां से। दैट वाज वेरी गुड, दैट वाज वेरी गुड। अरे बहुत जरूरी बात बताने के लिए आया हूं।
ये हुआ है कि तुम लोग के लिए एक बड़ी अच्छी खुशी की खबर है, और खुशी की बात यह है कि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि हर घर से एक व्यक्ति को जो है बाहर जाने के लिए पास मिलेगा, और वो पास जो है वो सलमान भाई के पास में है। सबसे पहले नवाजुद्दीन सलमान भाई के पास पहुंच गए। भाई आपके लिए पुण्य जान भी दे सकते हैं, लेकिन आप ये जो मेरा आपका अंग्रेजी टॉयलेट है ना, उस पर दिन में 3 बार ऐसा बैठ के मेरे को केकड़ा बनना पड़ता है, मेरे को जमता नहीं है। मेरे को मेरे घर वाले टॉयलेट में जाने का। जाओ देवना साहब, पीछे पंकज चवाड़ी पीछे पकड़ा है, गलत हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ गलत हो जाएगा। सलमान भाई हाँ। आप सभी तक हम कुछ नहीं बोले हाँ। लेकिन इस लॉकडाउन के लिए प्रिपेयर होके नहीं आए थे, एक ही अंडरवियर था उसी से काम चल रहा था, N95 मास्क पहन के एडजस्ट करना पड़ रहा है, बहुत तकलीफ है। मुझे लगता है कि ये जो है पास हमको ही मिलना चाहिए। रीति के पीछे बोले, व्हाट डू मीन भाई, ये पास आपको मिलना चाहिए? आई मीन व्हाट डू मीन, मैं पिछले 3 दिन से सोया नहीं, आई मीन डैनी साहब ने मेरा टैडी फाड़ दिया, और जब मैंने डैनी साहब को जाकर बोला कि व्हाई डिड यू डू दैट, तो उन्होंने मुझे सतरंगी छर्रा बोला। डू आई लुक लाइक सतरंगी छर्रा? ऐसे थोड़ी ना होता। मेरे को बहुत बुरा लगा। डैनी साहब बगल में आ गए, वीडियो गेम का हीरो, दही बड़ी के चटनी में डूबे हुए पानी के बताशे, ये तो खरी लगता कि मैंने सिर्फ तेरा टैडी फाड़ा है, वरना तेरा टैडी जिस तरह से मुझे घूर के देखता है मैं उसे जला के राख कर देता। टैडी बियर से खेलने वाले छोटी बच्ची हो क्या? राजपाल भागते भागते, अरे भैया भैया सबसे पहले हमारी बात सुनिए, सबसे ज्यादा पास की जरूरत हमको है। अरे सलमान भाई, आपका ये जो बॉडीगार्ड सेरा है हमसे सुबह कहता है कि हमारे पीठ में आके साबुन लगाओ। साहब 3-3 घंटे हमसे अपनी पीठ में साबुन लगवाता है, जब हम फ्री हो जाते हैं तो हमको डंडे के ऊपर बांध के कहता है कि पूरे घर के जाले साफ करो। पूरे घर के जाले साफ करने के बाद हम जब रात को बिस्तर पर पहुंचते हैं तो हमको अपने पैरों के बीच में दबा कर सो जाता है, बताओ हम तकिया है क्या? अरे अरे वो बोलता है कि 2 मास्क लगाओ 3 मास्क लगाओ और उसके बाद भी जो है तुम्हें कोरोना से कोई बचा नहीं सकता। उसके बाद उसे कहने के बाद में बोला कि वैक्सीन लगाओ, वैक्सीन लगाने के बाद में तुम कोरोना से बच जाओगे। मैंने 1 वैक्सीन 2 वैक्सीन अरे साले 3 वैक्सीन लगाई, और बोलता है कि अब वैक्सीन लगाने के बाद भी तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, इसके चक्कर में नींबू लहसुन धनिया पुदीना अदरक अजवाइन और सौंठ मिला के मैंने इतना काढ़ा बना के पी लिया है, अरे अब तो लगता है रे कि मैं कहीं बवासीर से न मर जाऊं। अरे 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 रे देवा, अरे 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 मुझे लगता है कि मेरे अंदर से भी जो है कोई वायरस आ जाएगा। सलमान भाई मेरी जो है अब आपसे रिक्वेस्ट है कि पास जो है मुझको दे दिया जाए। पास एक लोग अनेक, कहां से दूंगा मैं तुमको पास, दिमाग खराब कर रखा है? देता हूं तुमको पास, लो। पास किधर गया मेरा? पास की शेरा, लात मारू क्या? शेरा मुझसे गले मिलने के बाद मेरा पास ले गया। अब तुम लोगों को एडजस्ट करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। जोरदार तालियां जय विजय के लिए। यू नो, हर कॉमेडी में मिमिक्री नहीं होती और हर मिमिक्री में कॉमेडी नहीं आ सकती। आज मैंने बहुत सालों बाद मिमिक्री और कॉमेडी का इतना बढ़िया कॉम्बिनेशन देखा है, माइंड ब्लोइंग आपने प्रदर्शन किया जय विजय। सो सल्यूट। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। ह्यूमर में इन
तंदूरी सेव का चटपटा स्वाद हो और इनकी बात पर ऑडियंस की दाद हो, तो इनकी बैटरी चार्ज जब हो ही जाएगी ना, प्लीज वेलकम मुन्ना बैटरी फ्रॉम मंदसौर एमपी। शेखर जी नमस्कार, अर्चना जी नमस्कार, नमस्कार जी, नमस्कार। अर्चना जी, मेरी वाइफ ने मेरे से पूछ लिया, क्या बोले ये वाइल्ड कार्ड एंट्री क्या होती है। मैंने उसको असलियत बता दी, 8 दिन से बोलचाल बंद है। मैंने कहा मुझसे सगाई तुड़वा कर तेरे बाप ने 2 साल तक 18 लड़के देखे थे, हाँ। उसके बाद बारात लेकर कौन आया, बोले आप। मैंने कहा इसी को वाइल्ड कार्ड एंट्री बोलते हैं। और शेखर जी, मेरा तो जन्म इस दुनिया में वाइल्ड कार्ड एंट्री से हुआ है। अच्छा। मेरे तो खुद के घर में 2 लोग ऑलरेडी क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुके थे। और वैसे भी घर में नंबर पहला हो या तीसरा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कॉन्फिडेंस का लेवल हमेशा बढ़िया होना चाहिए, कि जो फिल्म का ट्रेलर देख बता दे किसका रोल कितना है, कि जो फिल्म का ट्रेलर देख बता दे किसका रोल कितना है, चमक हीरो की देख बता दे उसका मोल कितना है। और हम एमपी वालों का कॉमन सेंस भी बड़ा अजीब है दुनिया में, जो गाड़ी का धुआं देखकर बता देते हैं टैंक में पेट्रोल कितना है। एक तो हमें सोशल मीडिया का उपयोग कैसे करना आज तक समझ में नहीं आया। सही कहना शेखर जी, अगर अमेरिका में कोई रोड खराब हो जाती है तो वहां का आदमी एक फोटो खींच के सरकार के पोर्टल पे डालता है, सरकार के वहां से मैसेज ठेकेदार को जाता है, ठेकेदार रात्रि में सामान लेकर रोड पे जाता है, रात भर काम चलता है, सुबह 8 बजे रोड चालू हो जाती है। हमारे यहाँ ऐसी प्रोसेस नहीं है। हमारे यहाँ अगर कोई रोड खराब हो जाए तो सबसे पहले तो हम उस रोड को और खराब होने देते हैं, फिर उसके बाद थोड़ी और खराब होने देते हैं, फिर उसके बाद उसमें से भाटे निकलना शुरू होते हैं, जो ऐसा प्रतीत होते हैं जैसे समुद्र मंथन चल रहा हो और अंदर से रत्न प्रकट हो रहे हैं। फिर उसके बाद साइकिल से एक आदमी उस पर गिरता है तो गुस्से में उसका फोटो खींचकर सरकार के पोर्टल पे नहीं डालता है, व्हाट्सएप ग्रुप पे डालता है। फिर वही फोटो पूरी दुनिया के व्हाट्सएप ग्रुप में घूमता हुआ उसी आदमी के मोबाइल में पहुंचता है, अलग अलग सड़कों के नाम से। फिर वो आदमी फोटो वायरल होने की खुशी में फिर उस रोड पे जाता है और सेल्फी मोड में वापस उस रोड का वीडियो बनाता है और फिर वो वीडियो वापस उस व्हाट्सएप ग्रुप पे डालता है। अब संजोग से वो वाला वीडियो उस ठेकेदार के पास पहुंच जाता है जिसने ये रोड बनाई। अब उसके आदमी इस आदमी को ले जाके दमादम ठुकई करते हैं। अब ये ठुकई करते हुए का वीडियो वापिस पूरे हिंदुस्तान में घूमता हुआ उसी आदमी के मोबाइल में पहुंचता है और उस पे कैप्शन लिखा होता है, लड़की को छेड़ने पर मजनू की पिटाई। यस, 100% सही। अभी रोड का काम शुरू नहीं हुआ है। अब इस रोड पे और घटनाएं घटित होती है। एक उसका रोड के अंदर एक पाइपलाइन जाती है, वो पाइपलाइन फटती है, उसके अंदर से एक बड़ा फंवारा रोड पर चल्लू हो जाता है जो 24 घंटे उस रोड को गीला करता है। अब इस फंवारे का फिर एक वीडियो तैयार होता है और पूरी दुनिया में व्हाट्सएप ग्रुप पे वायरल होकर उसमें एक नए कैप्शन के साथ पहुंचता है, बंगाल के एक छोटे गांव में धरती से निकला चमत्कृत पानी, लोगों की बीमारियां दूर हुई, श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। अभी रोड का काम शुरू नहीं हुआ है। नहीं हुआ। अब इस रोड पर एक ट्रैक्टर ट्राली पलटी खाती है, उसमें 3 लोग बेहोश होते हैं जो थोड़ी देर बाद वापस सही होकर अपने घर चले जाते हैं, लेकिन इसका फिर एक वीडियो बनता है और वो पूरी दुनिया में वायरल होते हुए लोगों के मोबाइल में नए कैप्शन के साथ पहुंचता है। जम्मू कटरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर यात्री संघ का हुआ एक्सीडेंट ट्राली के साथ, 25 लोग घायल। इस वीडियो को जरा आगे जल्दी फॉरवर्ड करें ताकि इनके घर वालों को सूचित किया जा सके। अभी रोड का काम शुरू नहीं हुआ है। अब इस रोड की उन्नति और समुन्नति के और सुधार के लिए गांव वाले वहां पे धरना प्रदर्शन करते हैं और तोड़फोड़ करते हैं। इस तोड़फोड़ का वीडियो वापस पूरी दुनिया में वायरल होता है और एक नए कैप्शन के साथ वापस लोगों के मोबाइल में पहुंचता है कि मध्य प्रदेश के मंदसौर में जमीनी विवाद में 2 पक्षों में आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ, मुख्य आरोपी बंबई फरार। शेखर जी, मैंने कल अपनी पत्नी को फोन लगाया कि क्या स्थिति है, वो बोली अभी रोड का काम शुरू नहीं हुआ है। मतलब कंडीशन ऐसी है कि जो काट न पाए सब्जी ये उसे खंजर बता देते हैं, हो माहौल भाईचारे का तो उसे खूनी मंजर बता देते हैं। और ये सोशल मीडिया का खेल भी क्या गजब है यारो, जहां एक बूंद ना हो पानी ये वहां समंदर बता देते हैं। थैंक यू। कॉमेडी का मकसद सिर्फ हंसाना ही नहीं होता, एक मैसेज देना होता है सोसाइटी में।
ज़रूरी नहीं कि हर बार, लेकिन जब भी ऐसा मैसेज पहुंचता है लोगों को बहुत पसंद आता है, जैसे मुझे आपका ये मैसेज पसंद आया। थैंक यू। कई चीज़ आप जो कॉमेडी में बोल जाते हैं वो ज़्यादा दूर तक पहुंचती है, तो आपका ये जो पोर्शन ऑफ द एक्ट था ये बहुत दूर तक पहुंचा। थैंक यू मैम। थैंक यू। वो सड़क तो अभी बन रही होगी, काम चल रहा है उसका, पर वो सड़क आखिर तक कभी नहीं बनेगी और उसके भिन्न भिन्न कैप्शन आते रहेंगे, पर आपने अपनी सड़क तैयार कर ली। थैंक यू सर। थैंक यू। तो विशिंग यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अच्छा मुन्ना जी, बताइए कि सोशल मीडिया ने हमारी जिंदगी में क्या बदलाव लाया है? बदलाव ये आया है प्रेम करने में। ये अर्चना जी आप तो जानती हैं, एक जमाना था जब ये सोशल मीडिया नहीं था, तो प्रेम करने के लिए आदमी तड़पता था, तो उसके लिए चाव होती थी कि हम उससे प्रेम करना है। अब सोशल मीडिया पे लगे पड़े 24 घंटे, प्रेम खत्म हो गया, बाकी सब चल रहा है। जबकि वो दौर ऐसा था कि एक पल ही सही पर दिल में दर्द उठ जाता था, सपना ही सही पर मन का स्वर्ग लुट जाता था, और मायूस तो हम भी उन दिनों बहुत होते थे, मायूस तो हम भी उन दिनों बहुत होते थे जब वो कॉलेज से घर पहुंचती और हमारा संपर्क टूट जाता था। थैंक यू। लेट्स हियर फॉर हिम वन मोर टाइम लेडीज एंड जेंटलमैन। अपने मजेदार सोच से आपको हंसाने आ रहे हैं साहिल होराने फ्रॉम पुणे। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द अप्लॉज एंड एवरीथिंग। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। सर भी काफी सही गाने बजाते हैं ना, और मैं गानों का बचपन से फैन रहा, हम सभी फैन रहे ना। एब्सोल्युटली। इसलिए मेरा ये ओपिनियन है कि हिंदी गाने ना बहुत खूबसूरत होते हैं, बट कभी कभी ना इनके लिरिक्स डबल मीनिंग हो जाते। जैसे मैंने वो गाना सुना, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं, ये क्या सवाल है, आंखों की जांच कर लो। क्या सवाल है। एक गाना आया था कुछ दिनों पहले, तेरे बिना लगता नहीं मेरा जिया, तेरे सिवा चले मेरी सांसे नारे ना। अभी ये लड़की से बात कर रहा है या अस्थमा इनहेलर से? बट यू नो सबसे वियर्ड गाने जो बजते ना, सबसे वियर्ड लिरिक्स वाले गाने वो बजते दांडिया के टाइम पे। बट दांडिया मेरा फेवरेट फेस्टिवल है यार, मेरे को बहुत मजा आता है दांडिया, स्पेशली लड़कों को मजा आता है। गाइस गिव मी अ चीयर, तुमको अगर दांडिया पसंद है। अपन तो उस टाइम के जनरेशन के है ना, अपने टाइम पे डेटिंग ऐप वो सब नहीं था, तो दांडिया ही अपना डेटिंग ऐप था। अच्छा। और शेखर जी सबसे बेस्ट पार्ट उसमें ऑटो स्क्रोल का फीचर है, क्योंकि सर्कल घूमता है नई लड़की सामने आती है। भाई बहुत मजे आते हैं दांडिया के टाइम पे, और ना लड़कियों से बात करने का वही मोमेंट होता है, क्योंकि सुंदर लड़कियों से आप नॉर्मली बात नहीं कर सकते, क्योंकि सुंदर लड़कियों में एक एबिलिटी होती है, दे डोंट लुक एट यू, अच्छा दे लुक बियॉन्ड यू। हां, मैंने रोशेल जी के साथ भी देखा यार, मैं बाहर जा रहा था, मैंने उनको हाई किया, उन्होंने हाई किया, मेरे को लगा यार नोटिस किया, नहीं पीछे सुरिंदर पाजी से बात कर रहे थे। तो मेरी सोसाइटी में भी ऐसी एक लड़की थी यार, मेरे को बहुत पसंद थी ना, बहुत सही लड़की थी, और मैंने डिसाइड किया इससे बात करेंगे दांडिया के टाइम पे। तो मैंने क्या किया, दांडिया जो होता है वो नीचे की जगह थोड़ी ऊपर के साइड पकड़ लिया, ताकि उसका दांडिया मेरे दांडिया की जगह मेरे हाथ पे लगे और कुछ तो मोमेंट बन जाए। मैंने पकड़ लिया दांडिया ऊपर की साइड, और हुआ भी यही, हो जैसे वो सामने उसका दांडिया मेरे हाथ पे लगा और वो चिल्लाई आउच, मैं खुश हो गया कि बात तो की, हो गई बात हो गई। तो वो बोली भी मुझसे, आर यू ओके, योर हैंड लुक्स अ लिटिल अग्रीव्ड। मैं कंफ्यूज हो गया, अग्रीव्ड, क्योंकि मैं स्टेट बोर्ड स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ, वहां पे अग्रीव्ड जैसे फैंसी वर्ड नहीं सिखाते। वहां पे किसी को अगर अग्रीव्ड का मतलब मालूम है तो सीधा लिविंग सर्टिफिकेट दे रहते कि वो लोग सोचते कि भाई इसके आगे हम क्या पढ़ाएंगे तेरे को। तो मेरे को भी समझा नहीं, पड़ा अपने को इज्जत बचानी थी, मैंने बोला नॉट अग्री जस्ट अ लिटिल हर्ट। इसके बाद लड़की ने दो कदम पीछे ले लिए, मेरे फोन में जो डिक्शनरी का ऐप था अपने आप अनइंस्टॉल हो गया। बट अपन डटे रहने वाले थे ना, मैंने बोला नहीं ऐसे नहीं खत्म करेंगे, टॉपिक बढ़ाना पड़ेगा। मैंने बोला कि यार आई थिंक आई हैव सीन यू समवेयर, मैंने तुम्हें कहीं देखा है, तुम भी क्रेसेंडो हाई स्कूल से हो क्या? तो बोलते कि नहीं नहीं मैं क्रेसेंडो से नहीं हूँ, मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल से हूँ, बट तुम क्रेसेंडो से हो क्या? तो अपने को थोड़ा प्राउड लगा, मैंने बोला हाँ हाँ मैं क्रेसेंडो से हूँ। तो उसने ना मेरी तरफ देखा एक बार, है ना, मेरा चेहरा, कपड़े, चप्पल, और फिर बोलती है बट दैट इज एन इंग्लिश मीडियम स्कूल नो।
और अपने स्कूल का नाम थोड़ा हाई फाई ना, क्रेसेंडो हाई स्कूल, तो मेरे रिलेटिव को भी लगता था कि ये क्या हाई फाई स्कूल में जा रहे हो, तो मम्मी को पूछते थे क्रेसेंडो म्हणजे हे काय कॉन्वेंट है का? अपने घर में सब मराठी मीडियम, किसी को मालूम भी नहीं कॉन्वेंट क्या होता है, बट मम्मी डायरेक्ट नहीं नहीं बोल सकती, अभी घर का इमेज है ना, तो मम्मी बोलती थी सब पूर्ण कॉन्वेंट नहीं है, सेमी कॉन्वेंट म्हणू शकता. और ना सच में डेंजर स्कूल था भाई, वहां पे एकदम गाउटी गाउटी मराठी प्रोफेसर आके इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रहे. एक बार ना फेयरवेल के टाइम पे हम लोग को सीसीडी में लेके गया और वहां पे वेटर को बोलता है भैया एक लट्टे देना. लट्टे लाटे को इसने लट्टे बोल दिया. अच्छा. और मैं बस भगवान का ये शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि कॉफी में कोई टाटे नाम की चीज नहीं होती. स्टेट बोर्ड वालों का सीन क्या था ना, लड़कियां भी नहीं मिलती, और पहले टाइम पे तो फिर भी मिलती थी, वो ना 25 के बाद और भी मुश्किल हो जाता है यार गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड मिलना, क्योंकि सर वजन बढ़ जाता है यार. पहले जो तुम्हारा ग्रोथ था ना वो पूरा वाई एक्सिस पे होता था, 25 के बाद एक्स एक्सिस पे होने लगता है. आप विश्वास नहीं करोगे, तुम्हारा जॉ लाइन कब जॉ सर्कल बन जाता है तुमको पता नहीं चलता. तुम्हारे चिन के नीचे एक दूसरा चिन आ जाता है जिसको बोलते हैं डबल चिन, क्योंकि एक चिन से तो अब तुम्हारे चेहरे का वजन संभाला नहीं जा रहा. अच्छा. और सर हमारी स्टेट बोर्ड वालों के बारे में बात हुई ना यार, कितने लोग हैं यहाँ पे स्टेट बोर्ड वाले हैं, थोड़े से थोड़े चीयर करो, ये देखो ये हमारा क्राउड. अब देखो सर ये लड़के देख के भी आपको पता चल जाएगा कि हमारी लाइफ बहुत सॉर्टेड, हम लोग स्कूल में बहुत मजे करते हैं, बट आगे की लाइफ में प्रॉब्लम आती है क्योंकि हमारी ना भाषा बहुत खराब हो जाती है. तो आज भी ना मेरे घर पे जब कोई लहसुन बोलता है मुझे लगता है आधा ही वर्ड क्यों बोल रहा है. इसका फर्स्ट हाफ किधर है? ओह गॉड, देखो मैं कुछ मैं देख रहा हूँ कुछ लोगों को समझा नहीं है, बुरा मत फील करना, इसका मतलब ये कि आपकी परवरिश अच्छी है. पर यही था यार, थैंक यू सो मच गाइस यार, बहुत मस्त तुम लोग. टू गुड थैंक्स यार. साहिल तुमने इतनी धीमे से शुरुआत की, फिर आपने जो हमें अपने साथ लिया, इतनी बारीकी से आपने, इतने प्यार से पेश किया अपनी कॉमेडी, बहुत खूब, बहुत यूनिक एंड वेरी गुड. थैंक यू सो मच, मींस अ लॉट. To meet our laughter ke sarpanch, please welcome Padma Shri Surendra Sharma ji. Sir, आपका स्वागत है हमारे शो पे. मैं भी आपका स्वागत करता हूँ कि आपने मुझे बुलाया, बड़ी इज्जत से बुलाया. आप दोनों का भी सम्मान करता हूँ क्योंकि इतनी खूबसूरत हस्तियां यहाँ पर बैठी हैं, तो मुझे बड़ी दिक्कत पैदा होती है. जब बिगर बात कही आप हंस रहे हो तो हंसाने की क्या जरूरत पड़ी है. और आप सबको प्रणाम करता हूँ. यहाँ महिलाएं भी बैठी हैं, माफ करना आप, महिलाएं बहुत कठोर होती हैं, पुरुष बहुत ही कोमल होता है. शेखर भाई आप जानते हैं हम तो कोमल लोग हैं. हाय, बहुत कोमल. आपको विश्वास नहीं हो, मान लीजिए दिल्ली से आप चंडीगढ़ वाली ट्रेन में जा रहे हो, बगल में कोई महिला बैठी हो, आपका नींद आ जाए, आपका सिर महिला के कंधे पे टिक जाए, एक झटके में तुम्हें उठा देगी, इतनी कठोर होती है. अपनी पर आ जाए तो तुम्हें जेल भिजवा दे, ये महिलाएं इतनी कठोर. अब इसी सीन को उल्टा कर लिया. महिला को नींद आ जाए, उसका सर तुम्हारे कंधे पे टिक जाए, अभी टिकने तो दो. तुम्हें अंबाड़ा जाना होगा, चंडीगढ़ चले जाओगे लेके सिस्टर ने. मैं हरियाणा का हूँ,
वो हरियाणा में बाप ने बेटे से कह दिया कल तेरा रिजल्ट आ रहा है, फेल हो जाए तो मुझे अपना बाप मत कहियो। छोरा बोला ठीक। अगले दिन बेटा आया, बाप ने पूछा क्या रिजल्ट रहा, बोले छोड़ना राम प्रसाद क्या करेगा। अच्छा मैं दिल्ली के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में पढ़ा। अच्छा, अच्छा बेस्ट कॉलेज कॉमर्स का। जी जी, 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 जी बिल्कुल। सेकंड ईयर में मैं फेल हो गया। अरे मैंने अपने बाप को 6 महीने तक पता नहीं लगने दिया कि मैं फेल हो गया। ताली बजाने की बात नहीं है, शेखर भाई से कहते हैं मैनेजमेंट। अच्छा मैंने अपने बेटे से कह दिया था देख तू 50% से ज्यादा मत लियो, क्योंकि मेरे 51 आए थे। विचार में लिया था अमरीका भाग लेता। 45% लिया, साला मुझे दिल्ली छोड़ करके गाजियाबाद नहीं जा सकता जिंदगी भर। मेरा सुख ये नहीं है कि मेरा बेटा अमरीका में 5 लाख रुपया महीना कमा रहा है, मेरा सुख ये है कि मेरा बेटा 50,000 रुपया महीना कमा रहा है लेकिन शाम का खाना मेरे साथ बैठ करके खा रहा है। अच्छा बच्चों की वजह से ही मैंने शादी की, नहीं तो कोई मन नहीं था मेरा। बच्चे ढंग से तो होने दे, फिर बाद में बैंड बाजा बजा दिया। मैंने पत्नी से कहा पत्नी जी मैं अपने छोरा ने राम बनने की प्रेरणा दे रही हूँ, कितनो अच्छो काम कर रही हूँ, घरवाली बोली मैं जानू हूँ थे छोरा ने क्यों राम बनानो चाहो हो, अहियाँ दशरथ बनकर 3 गराड़ी लेनो चाहो। और इन 4 लेनों में घराड़ी करी है। ए जी थारो दोस्त रमेश अपनी घराड़ी से कितनो प्यार करे है, थे भी अहियाँ कर सको के। मैं बोलो मेरी तो किस्मत ही खुल जावेगी, पर पूछ ले रमेश की घराली तैयार हो जाएगी। हमारे जो युवा साथी आज आए हैं बहुत अच्छे कवि हैं, सूरज त्रिपाठी भाई आप कवि कैसे बने? हमारे पिताजी बचपन से हमें कवि सम्मेलन में लेके जाते थे कि सुनते सुनते हम कवि बन गए। वाह वाह। अब पिताजी कहीं और ले जाते तो वो बन जाते। हाँ। तू ये मुझे एक ही बात बता दे बाउंडर, एक तो तू है कहाँ से और तेरी खासियत क्या है? मैं भगवान महाकाल की नगरी उज्जैन से हूँ जी, और हमारे वहाँ के लोगों की खासियत होती है दिमाग बहुत लगाते हैं हर काम में। उनको घर बनाना हो ना तो 1,000 स्क्वायर फीट का प्लॉट ढूंढते हैं, आगे निकालते 2 ATM, पीछे किराने की दुकान, पहले और दूसरे माले पे किराएदार रख लेते हैं, बस्ती छत उस पे मोबाइल का टावर लगा लेते हैं। अब मोबाइल के टावर से लेके नीचे ATM तक का किराया आता है और हम किराए पे दूसरी जगह मकान लेके रहते हैं। वाह 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 वाह। अच्छा ये बता तू शादी शुदा है या सुखी है? सुखी है। मैं वो शादी शुदा सुखी हूँ जो अपनी पत्नी पर टिप्पणियां करके पैसे कमा रहा हूँ। अपनी पत्नी के ऊपर कह करके कमा रहा है तो कमाई पत्नी को दे दियो, किसी और की पत्नी को मत दियो उसको। सुंदर कटारिया जी आपका सुंदर नाम रखा गया है जी, क्या आप मानते हैं आप सुंदर हो? ऐसा है ददू, जिस दिन पिताजी ने मेरा नाम रखा था ना सुंदर, मैं उस दिन एक बात समझ गया था कि जाट वाकई बोड़ा होता है। अगर समझदार होते तो मेरी खूबसूरती को देखकर सुंदर तो कति नहीं रखते। नहीं हो सकता तेरे पिताजी ने तेरे मन की खूबसूरती देखी। केटी जी सर, यार एक बहुत छोटा नाम रखा, इसे छोटा नहीं रख सकता था?
सर ऐसा है कि मैं साउथ से हूँ तो हमारे बड़े बड़े नाम होते हैं, 70 mm पर्दे के बाहर जाते हैं हमारे नाम, इसलिए हम लोग को छोटा नाम रखना पड़ता है। लेकिन ये बड़े बड़े नाम का भी कभी कभी सर फायदा होता है। अभी 2 दिन पहले मैं बाइक से जा रहा था, गलती से सिग्नल तोड़ दिया तो ट्रैफिक हवलदार ने मुझे साइड में लिया, बाजू में ले आओ बाजू में लो। बोला साहब गलती हो गया, दोबारा नहीं करूंगा, छोड़ दो ना। नहीं 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 बाजू में ले आओ। अरे चलन कटेगा बाबा। बोला नाम बोलो। सब केटी। पूरा नाम बोलने करे बाबा, कल्लेपल्ली तुषार हनुमैया पेगड़ेपल्ली गोपाल राव पेट रामाड़गो करे। एक मिनट दोबारा गलती नहीं करने का, जाओ। नाम छोटा हो लेकिन काम बड़ा होना चाहिए आदमी। हसीब खान जी, जी सर, आपका नाम यूनिक है, इसका अर्थ क्या होता है? सर इसका मतलब होता है इज्जतदार आदमी। सर मेरे घर वालों ने दिमाग लगाया कि यार एटलीस्ट नाम से तो इज्जत मिली जाए इसको, लेकिन मेरी एक्स और क्रश को छोड़ के सब इज्जत दे रहा। अगर एक ही होती तो इज्जत मिल जाती, दो रखेगा तो कभी भी इज्जत नहीं मिलेगी। तुम सीरियस काफी रहते हो इसकी वजह? सर एक्चुअली क्या है कि मैं ऐसे दिखाता नहीं हूँ शक्ल पे, बाकी मैं अंदर बहुत सी चीजें चल रही, जैसे आप जोक्स कर रहे थे ना तो मैं फेस ऐसा था पर मैं हंस बहुत रहा था अंदर। जिंदगी में हर आदमी को एक ही बात सोचनी चाहिए, खुद हंसने की बजाय दूसरे को हंसाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आपका दिन डल है तो हमारे पास हल है। आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए आ रहे हैं सुंदर कटारिया फ्रॉम हरियाणा। अर्चना जी नमस्कार। नमस्कार जी। शेखो सर प्रणाम। प्रणाम। शर्मा जी आपने मेरी राम राम। शर्मा जी सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई और मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। क्यों? शर्मा जी को कल ही इनके अनुभव के आधार पर इनको पत्नी पीड़ित संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। भाई पहले मैं अंतरराष्ट्रीय था, तैने तो मुझे डिमोट कर दिया राष्ट्रीय करके। शर्मा जी मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ, मैंने रोशेल जैसी एक सुंदर सी लड़की देखी और उस लड़की को देख के मैंने एक ही बात सोची कि काश यो मेरी माँ होती तो मैं भी इतना ही सुंदर होता। शेखो सर जाट अपनी मस्ती में जीतता है। हाँ। एक जाट बैंक में चला गया लोन लेने के लिए, बैंक अधिकारी ने कहा बैंक में खाता है, बोला अब तक तो खाता था घर पे ही। बैंक में घर। अगर लोन दे देगा तो बैंक में खाने लग जाऊंगा। अच्छा हम लोग नियमों का बहुत पालन करते हैं। एक जाट ने हिमांशु भाई अपनी गाड़ी पर परमानेंट लिखवा लिया कि हमने ओवरटेक करने वालों का बढ़िया इंतजाम कर रखा है और पीछे से हॉर्न तो बिल्कुल मत बजाना वरना गाड़ी में लठ भी धर रखा है। ये सिखाने का तरीका है वरना लोग सीखते नहीं है। वो एक जाट टेंशन में बैठा, किसी ने आके पूछ लिया, बोले भाई तेरे को किस बात की टेंशन होगी? बोले यार मैं एसी लाया था 1.5 टन का। बोले अच्छा, बोले तोला तो 62 किलो का निकला। शेखो सर जाट नौकरी कर ले बहुत कैड़ा काम है, बहुत, और उसको निभा ले वो उतना ही कैड़ा काम है। और मुझे तो एक दिन शर्मा जी छुट्टी की जरूरत पड़गी, रोशेल से मिलने जाना था। अब मुझे छुट्टी कैसे मिली वो सुनिएगा शेखो सर, के भैंस भी खरीद ली थी, नौकरी भी करनी थी, कैसे करूं काम सारा होने लगी टेंशन। सोचा हो क्या सस्पेंड, तनख्वाह भी मार लूंगा, भैंस पे भी लोन करवाऊंगा मैं सैंक्शन। पर अधिकारी नहीं माना विनय विनती से, बच्चों की मिठाई को भी किया मैंने मेंशन, आखिर में दिए तो घुसंड मैंने थोपड़े पे, तब कहीं जाके मिला मुझे सस्पेंशन। घुसंड, घुसंड, ये सस्पेंशन ऐसे ही मिलता है जाटों को। तो शर्मा जी भी बता रहे थे पूरा हरियाणा ही मस्त है। वो एक माँ बाप अपने बच्चे का एडमिशन कराने स्कूल में ले गए, मास्टर जी बोला हमारा स्कूल पूरा 10 एकड़ में फैला हुआ है। माँ बाप बोले हम बच्चे को यहाँ पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, चरने के लिए नहीं भेज रहे। पढ़ गौर मान, अध्यापक स्कूल में आया बोला बच्चों हमारे पूर्वज बंदर थे। बालक बोले थारे होंगे, मारे तो चौधरी थे। अध्यापक ने शर्मा जी दूसरे बच्चे से पूछ लिया, बोला भाई ये बता कौन सी ऐसी चीज है जिसको जितना खींचोगे उतनी छोटी हो जाएगी? बच्चा बोले जी बीड़ी। बीड़ी छोटी हो जाएगी।
बोले रहे निकम्मे मैं तेरा क्या करूं। बोले जी मेरा ब्याह कर दो रोल नंबर 31 के साथ। आरती मैडम हमसे बड़ी जिम्मेदारी शर्मा जी कोई नहीं निभा सकता, और ये जिम्मेदारी हमने अपने दादा दादियों से सीखी है। वो मेरे को याद आ रहा है मेरा दादा एक दिन रोडवेज बस में बैठ लिया, कंडक्टर आया बोला ताऊ कहाँ की टिकट काटूं, दादा बोला भाई गुड़गांव की दे दे दो। कंडक्टर बोला दो क्यों, बोले भाई मान ले एक खो गई तो। अब कंडक्टर मजे लेने के मूड में आ गया, बोला ताऊ मान ले दूसरी भी खो गई तो। बोला रहा मैं इतना बावली पूछना हूँ। एक टिकट मैंने बस स्टैंड से पहले ही ले रखी है। कंडक्टर बोला ताऊ मान ले वो भी खो गई तो। बोला रहा मैं हरियाणा का हूँ, मैंने तो पास भी बनवा रखा है। अच्छा। और शेखू सर बात तो ये सुनिए कि कंडक्टर बोला ताऊ मान ले वो पास भी खो गया तो। बोला रे मैं तो अपनी जिम्मेदारी दिखा रहा था ना, मैं तो रोडवेज का ही कर्मचारी हूँ, मेरा तो स्टाफ चलता है। और ये दादा बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। शर्मा जी आपके घर में पोते पोती होंगे। वो एक दादा घर बैठा था, आर्ची मैडम पोता आया, बोला दादा एक बार टैं बोलियो। दादा ने सोची बाड़ा का कोई बात नहीं, बोला टैं। बच्चा बोला बल्ले बल्ले, चला गया। थोड़ी देर में दूसरा आया, बोला दादा एक बार टैं बोलियो। अब दादा ने सोची कोई बात नहीं, बाड़ा के एक बार और सही, बोला टैं। बच्चा बोला बल्ले बल्ले, चला गया। अब शेखू सर तीसरा आया, बोला दादा एक बार टैं बोलियो। दादा ने उसकी गर्दन पकड़ ली, बोला रे बता चक्कर क्या है, इतनी देर से आ रहे हो, टैं बोलियो टैं। बोला चक्कर चुक्कर कुछ नहीं, अंदर मम्मी पापा को कह रही है घर में बड़ा टीवी लेकर आएंगे, एक बार बूढ़ा टैं बोल जाए। मैं ज्ञान ध्यान की बात बताऊं, एक बच्चे की चप्पल टूट गई, चप्पल टूट गई। शेखू सर चप्पल ठीक कराने के लिए वो गया दुकान में, दुकान में बूढ़ा बैठा था, बोला ताऊ ये चप्पल ठीक कर दे। बूढ़े ने चप्पल उलट पलट के देखी, बोला भाई ये चप्पल ठीक नहीं हो सकती। अरे बोला कमाल की बात करता है ताऊ, कोशिश तो कर। नेपोलियन ने भी कहा है कोशिश करने से हर असंभव काम को संभव किया जा सकता है। ताऊ चप्पल देते हो, बोला जा नेपोलियन तो ठीक करा ले। अरे आरती मैडम दादा दादानी दादी भी कमाल की। वो एक दादी ने सुबह सुबह अखबार खोला, पहली खबर पढ़ी हरियाणा में कल से विधवा पेंशन 2000 रुपए महीना बढ़ाई जाती है। अब दादी ये खबर पढ़ते ही दादा की तरफ देखने लगी। दादा बोला मेरी तरफ क्या देखती है। बोला तू मेरा हर महीने 2000 रुपए का नुकसान कराने लग रहा है। तो ये दादा दादी का प्यार हरियाणा में कैसा होता, मैं एक छोटी सी कविता सुनाता हूँ आरची मैडम। कविता का शीर्षक मेरे दादा की धोती। मेरे दादा की धोती, मेरी दादी ना धोती। ना दो दादी की मर्जी, दादा दादी का प्यार ऐसा ही हो। एक बार मेरी दादी ने मेरे दादा से कहा शर्मा जी मेरे लिए क्या कर सकता है, हरियाणा का बुड्ढा क्या करेगा। शेखू सर सुनिए, बोला किसी का सर फोड़ दूं मैं, चांद तारे तोड़ दूं मैं, धरती ने फाड़ रानी पानी काट लूं मैं, और एक बार बोल दे तू मुंह जरा सा खोल दे तू, चांदी के लिए दांत सोने वाली जाड़ लाऊं मैं, हर खाने को छुआरे लाऊं, आलू के बुखारे लाऊं, लक्ष्मी की बेरी ते भी बेर झाड़ लाऊं मैं, और काया का मैं दारा सिंह बन के मैं तारा सिंह, पाकिस्तान जाके हैंडपंप फाड़ लाऊं। तारा सिंह बुढ़िया बोली टोकरी तू चार डाल, गोबर की आर डाल, और महस ने नहला के जोड़ ला देना तू एक बार, और ओढ़ के दुपट्टा मेरा, सीमेंट का कट्टा मेरा, मेरे घर में ही पहुंचा देना तू एक बार, और इतना उफण रहा अरे दारा सिंह बन रहा, दंड पूरी 500 लगा देना तू एक बार, और लागरी से टूटी वो जो तेरे बाथरूम में उसी ने उखाड़ के दिखा देना तू। तब कहता हूं कि मेरे दादा की धोती मेरी दादी ना धोती क्या थी, कति कमाल थी, वही तोलिया वही रुमाल थी, उसी से नहाते उसी को धोते, निचोड़ के गर्मी में ओढ़ के सोते, हाट पे बिछती, हाट पे बिछती बिस्तर बन जाती, गुड्डे गुड़िया का घर बन जाती, और धोती क्या मच्छरदानी देगी थी, शेखू सर संक्रांत पे दादा को नानी देगी थी। दादी धोती को देखती चीखती थी, क्योंकि दादी को धोती में नानी दिखती थी, तो जब भी देखती
बैठ के रोती पर मेरे दादा की धोती मेरी दादी नहीं धोती मेरी दादी नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने कॉमेडी का थैला लगाने आ रहे हैं दिमांशु पवंदर फ्रॉम उज्जैन। आप सबको प्रणाम करता हूँ, आप सबकी भव्य और गरिमामय उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। शेखर जी सुमन, अर्चना जी पूरण सिंह, हमारे हिंदुस्तान में वैसे भी बिना सुमन के कभी कोई अर्चना पूर्ण हो ही नहीं सकती गुरु। बहुत अच्छा बोला। पहली बार सुना। पहली बार। पर आप दोनों महान विभूतियाँ न्यायाधीश की कुर्सी पर विराजमान है। सर मैं न्याय मांगने आया हूँ। किस बात का? मैं मेरा दुखड़ा रोऊंगा, मैं आज हंसा नहीं सकता। अच्छा, रोई, और रोई। उस दुख में से निश्चित तौर पर आपको हंसी आएगी। सर अच्छा। सर मेरा एक ही दुख है। क्या? समाज में लड़कियों को इतना तवज्जो क्यों दिया जाता है? ओहो, तकलीफ है आपको बहुत। अच्छा, ये जितने लड़के हैं मेरे साथ में हो जाएं, और जो मेरे साथ में ना होगा मैं समझ जाऊंगा ये लड़का तो बिल्कुल नहीं है। आप देखिए सर, जगह जगह लिखा है बेटी बचाओ। हम लड़के गंगा जी की बाढ़ में बह के आए हैं। फिर नारा आगे ले गए बेटी पढ़ाओ। मैंने क्यों पढ़ाओ? तो ये सुंदर भाई बोले, बोले हिमांशु समाज में खड़ा होकर बदतमीजी मत किया कर। इस देश में बेटा एक लड़की पढ़ लेती है तो परिवार के चार लोगों को शिक्षित करके छोड़ती है। भैया उसके पीछे जो कॉलेज के 40 लड़के फेल होते हैं। सर ऑटो में लिखवा रखा है, मुलगी शिकली प्रगति झाली मूलांसा काय साहेब। क्या है? कुछ भी नहीं। रिश्तेदार भी बच्चा पैदा होता है ना सर, भेदभाव चालू। आप देखिए सर, लड़की का जन्म हो, फोन करके बधाई देते हैं। हाँ प्रकाश बधाई हो, तेरे यहाँ लक्ष्मी आई है लक्ष्मी। अर्चना जी आपने कभी सुना है किसी ने फोन करके बधाई दियो? हाँ प्रकाश बधाई हो, तेरे घर भेरू महाराज ने उतार लिया है। इतने नाजों से पालेंगे ना इन बच्चियों को सर। लोरी सुनाएगी माँ, परियों की नगरी से एक दिन राजकुंवर जी आएंगे, महलों में ले जाएंगे। और लड़कों को माँ सुलाती, सो जानी तो पीपल वाला भूत आ जाएगा। मैंने अच्छा। अच्छा इन लड़कियों को सारे महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स बच्चियों को नहलाने के लिए माँ यूज करती है, और लड़कों को कैसे नहलाती है? दोनों घुटनों के बीच में गर्दन दबाएगी। इतना बड़ा पत्थर लेके रगड़ रगड़ के गधे नहा। सर आप थोड़ा सा और आगे बढ़िए, 10वीं 11वीं में क्लास में दो लड़के बात कर ले, मास्टर जी चौक फेंक के मारते नालायक को, कमबख्त तो पढ़ लो। फेल हो जाओगे, जीवन खराब हो जाएगा। दो लड़कियां बात कर ले अर्चना जी, मास्टर का खुद का इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। क्या बातें हो रही है, हमें भी बता दो। वाह भाई वाह। सोशल मीडिया पे कोई लड़की एक स्टेटस अपलोड कर दे, फीलिंग हंग्री, नीचे कमेंट्स की बारिश। ऑनलाइन ऑर्डर कर दो। ऑन द वे टूवर्ड्स योर होम, आस्क मी एनीथिंग, मे आई हेल्प यू। शेखर जी लड़का अगर गलती से स्टेटस अपलोड कर दे, भूख लग रही, पहला ही कमेंट आएगा झेर खा के मर जा। बेचारे लड़के। सर मतलब ये लड़के इतने चालू होते हैं कि ये आज भी केमिस्ट्री को चेमिस्ट्री बोल रहे हैं। लेकिन रात को 2 बजे अगर मैसेज में लड़की को करना है तो उसमें कितने यू, कितने एम, कितने ए, कितने एच लग रही है, इन सबको पता है। पर सर इन लड़कियों को बिगाड़ा इनके पिताओं ने। अच्छा अर्चना जी, जरा सा कुछ होता नहीं, आपने देखा होगा, ये तो मेरी रानी बिटिया, ये तो मेरी प्यारी बिटिया, ये तो मेरी राज दुलारी बिटिया। हम लड़के छतों का जाला साफ करने के लिए पटके हैं तुमने घर में। मेरे पिताजी का दिन भर एक ही काम था, जा धनिया ले आ, जा अदरक ले आ, नींबू ले आ। मेरे को डाउट होता मैं इस आदमी की औलाद हूँ कि डिलीवरी बॉय हूँ यार। सर मैंने तो एक बार मेरे पिताजी से कंप्लेंट की, मैंने कहा मैं दिखता हूँ आपको, ये दीदी नहीं दिखती है, इसको तो कुछ नहीं बोलते हो। मेरे पिताजी ने भी 250 साल पुराना घिसा पिटा डायलॉग मारा। क्या? छोड़ यार बेटा,
एक ना एक दिन पराया घर जाएगी। सर मैं बोलता हूँ हम लड़कों को भी भेजो पराया घर। नहीं नहीं सर भेजो आप पराया घर। अर्चना जी मतलब हम भी हमारा टैलेंट बता के आए दूसरे हाँ। की घर परिवार की जमी जमाई रंगोली पे पानी कैसे ढोला जाता है। आप देखिए 90% पुरुष एक सफेद शर्ट एक काली पेंट में पूरा जीवन निकाल देते। बिल्कुल महिलाओं के केवल ब्लाउज में इतनी वैरायटी है ना। मतलब किसी को हॉस्पिटल देखने भी जाए तो पूरा डेकोरम मेंटेन करके जाती है शेखर जी। कुमकुम चंदन रोली सुरमा सिंदूर लाली माथे की बिंदिया पाँव की बिछिया मेहंदी सर चकर पाँव में महार लिपस्टिक लिप लॉप लिप पेंसिल आई लाइनर आई शाइनर लस्करा मस्करा। उसके बाद पड़ोसन से बोल रही होती गुप्ता भाभी जल्दी जल्दी मैं तैयार नहीं हुई। और पुरुष का भोलापन देखिए कि अगर मुझे अभी कोई बोले कि नीलेश के यहाँ शादी में चलना है चलो। बिल्कुल लेकिन सर कहते हैं कि ये बेटियां जो होती है वो लक्ष्मी का रूप होती है। मैं भी यही मानता हूँ लेकिन मेरी समस्या ये है सर कि ये लक्ष्मी का रूप मुझे अपनी बेटी में दिखता है। अपने ससुर की बेटी में तो आज भी मुझे भवानी नजर आती है। देखिए आपको हर जगह हम लोगों पे शोषण और अत्याचार होता हुआ ही मिलेगा। मैं इस बात के बिल्कुल पक्ष में हूँ कि महिलाओं को 50% का अधिकार मिलना चाहिए। महिलाएं कंधे से कंधा मिला के चलना चाहती है बिल्कुल चलिए लेकिन जब घर में गैस का सिलेंडर उठाने की बारी आती है तो पुरुषों का ही कंधा याद क्यों आता है। कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में गई देश का गौरव बढ़ाया नाम बढ़ाया लेकिन उनके भी जो कोच थे ना वो सब पुरुष थे। अब अर्चना जी इससे एक बात सिद्ध हो जाती है कि महिला अगर अपना ज्यादा दिमाग ना लगाए और पुरुषों की बात सुने तो चांद तक जा सकती है। सर इतना भेदभाव आप देखिए कि एक बड़े खिलौने की दुकान में अर्चना जी एक 10 साल की लड़की एक 4 साल का लड़का अपने पिता के साथ खड़ा है। पिता जब बात कर रहा है ना तो फूल झड़ेंगे मुंह से। मेरी गुड़िया रानी क्या लेगी। लड़की बोलती पापा मैं वो डॉल लूंगी 2000 रुपए की गुड़िया। सर बिना संकोच बाप दिला देता है। वो बेटे तक आता है ना टोन चेंज हो जाती तू क्या लेगा। पापा हाँ बंदूक दिला देते मालूम था आतंकवादी औलाद पैदा हुई है घर में। लेकिन फिर भी नारियों का सम्मान करना जरूरी है क्योंकि हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है और हमारे संविधान में भी कहा गया है। अब भगवान तो यहाँ आते नहीं है। अगर सम्मान नहीं करेंगे तो भगवान के रूप में पुलिस वाले आएंगे फिर वो ऐसी जगह टैटू बनाएंगे ना। बिल्कुल सही। इसलिए मेरी बात पर ध्यान कम दो और महिलाओं का पूरा सम्मान करो क्योंकि ये जगत जननी होती है। इनमें ही भगवान ने वो कला दी है कि ये जीवन को जीवन देने के लिए सृष्टि पर आई है। मैं सभी महिलाओं को प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। हिमांशु बहुत इंटेलिजेंटली रिटन था आपका एक्ट। बड़ी क्लेवर लाइंस थी। हिमांशु जो नाम में लिखा है आपने बवंडर वो वाकई उसको आपने सार्थक कर दिया है। बवंडर है आप और जितने बाहर हैं उतने ही अंदर हैं आप। उज्जैन वालों की विशेषता क्या है? सबसे पहली विशेषता ये है कि वो उज्जैन से हैं। अच्छा चलिए। और दूसरी विशेषता सर हमको रिया से बड़ा प्यार है। रिया मतलब हर क्रिया के साथ हम रिया फिट कर देते हैं। अच्छा कर रिया आरिया जारिया जारिया हारिया बीरिया रोरिया धोरिया वाह होरिया। अरे एक बात बताइए कि सपोज आपकी बीवी आप पर एक झूठा इल्जाम लगा दे तो क्या करेंगे? मैं स्वीकार कर लूंगा मैडम और उसको सॉरी बोल दूंगा। क्यों? इसे मालूम है कि ज्यादा इंक्वायरी करी तो सच्चाई निकल जाएगा।